हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेड बायो ज्ञान वंस अगेन। दोस्तों, खराब खान पान और जीवन शैली के कारण आजकल हर कोई अपच, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से पीड़ित रहता है। ऐसे में आप इलायची का सेवन कर सकते हैं। इलायची का सेवन आप कई तरह से कर सकते हैं। इसे माउथ फ्रेशनर के रूप में आप सीधे सीधे चबा कर खा सकते हैं। इसके अलावा इलायची पाउडर को किसी डिश में या दूध में मिलाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इलायची में कार्बोहाइड्रेट, डाइट्री फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा इलायची में कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। दोस्तों, इलायची का एंटीऑक्सीडेंट तत्व ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य बनाती है। इससे मूड स्विंग्स में भी राहत मिलती है। इलायची का तेल और इलायची का अर्क का उपयोग करने से फंगल इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और पाचन संबंधी रोगों से राहत मिलती है। इलायची पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है, जिस वजह से शरीर का मेटाबॉलिज्म भी ठीक ढंग से काम करता है और भूख बढ़ती है। जिन लोगों को समय पर भूख ना लगने या कम लगने की समस्या है, उन्हें इलायची का सेवन करना चाहिए। अगर आप गैस, एसिडिटी और पेट की समस्या से परेशान हैं तो आपको इलायची का सेवन आवश्यक रूप से करना चाहिए। इससे आपकी समस्या में काफ़ी राहत मिलेगी। यदि आपको सर्दी, खांसी या गले की खराश की समस्या है तो ऐसे में हरी इलायची काफ़ी फायदेमंद रहेगी। आप रात को गुनगुने पानी के साथ इलायची को चबाकर खाएं। यदि आपको उल्टी आना या आपका जी मचलता है तो आप इलायची को चबा सकते हैं। और अगर आपको हिचकी आती है और आप समझ नहीं पाते कि हिचकी को कैसे बंद करें, तो आप एक इलायची अपने मुंह में रखें और उसे धीरे धीरे चबाना शुरू करें। आपकी हिचकी देखते ही देखते बंद हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।